अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं ख़बरों की दुनिया यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मद्दी। आज 3 जुलाई 2023 है और आज दिन है पीर का। इस वीडियो के अंदर तुर्की से मुतालिक अहम ताज़ा और बड़ी ख़बरें हैं, वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़रीन किराम, तुर्की के अंदर तुर्क सदर तय्यब अर्दवान की ताकतवर हकूमत कायम है। पिछले 21 सालों से अर्दोगान तुर्की पर हकूमत कर रहे हैं। अर्दोगान अभी हाल ही में मई के अंदर होने वाले इलेक्शन में कामयाब हुए हैं और उन्हें अगले 5 साल के लिए मजीद हुकूमत बनाने का मौका मिला है। अर्दोगान अगले 100 सालों के लिए एक बड़ा मिशन शुरू किए हुए हैं। उनका विजन है कि तुर्की में 100% इस्लामी निज़ाम कायम हो जाए, नाफिज हो जाए। उनका विजन है, उनका प्लान और मनसूबा है कि यूरोप के अंदर तुर्की के ज़रिए से इस्लाम को आम किया जाए और दुनिया भर के अंदर खिलाफत उस्मानिया तर्ज का उरूज तुर्की को दिलाया जाए और तुर्की दिफाई मैदान में, मुआशी मैदान में, सफारती मैदान में और हर शुबे में इतना ताकतवर हो जाए कि दुनिया तुर्की की गर्विदा बन जाए और तुर्की दुनिया की मजबूरी बन जाए। तो इसके लिए वो काम कर रहे हैं। और तुर्क सदर तय्यब अर्दवान इस्लामी दुनिया के, मुसलमान दुनिया के एक मशहूर तरीन हुक्मरान हैं और वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ होने वाली नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़, जुल्म के ख़िलाफ़ हमेशा आवाज़ बुलंद करते रहते हैं। उन्हें मुस्लिम दुनिया का, मुस्लिम उम्मा का एक बेहतरीन लीडर और हुक्मरान भी माना जाता है। यहाँ तक कि उनको नंबर वन हुक्मरान भी करार दिया जाता है। दुनिया के बेशतर मुसलमान उन्हें दुनिया का, आलमी सतह पर इस्लामी दुनिया का एक बेहतरीन हुक्मरान और नंबर वन मुस्लिम लीडर मानते हैं। तो उनकी दुश्मनी भी उतनी ही ज़्यादा है। तो अर्दोगान को रास्ते से हटाने के लिए बड़े बड़े मंसूबे बनाए गए, बड़े बड़े प्लान बनाए गए, बड़े बड़े ख्वाब देखे गए, लेकिन वो सब चकनाचूर हुए। और अभी हाल ही में जब 27 मई को तुर्की में इलेक्शन हो रहा था तो उस वक्त बड़ी कोशिश थी कि अर्दोगान हार जाए, लेकिन अर्दोगान को नहीं हरा सके। उनके मुखालिफिन एड़ी चोटी का जोर लगाया उन्होंने। अब हो ये रहा है कि एक तो तुर्की के अंदर खाना जंगी शुरू करवाने की कोशिशें की जा रही हैं, हालात को ख़राब करके अर्दोगान को रास्ते से हटाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं और इश्तियाल अंगेज़ी को परवान चढ़ाने का मंसूबा है, और दूसरा दहशतगर्द तंजीमों को तुर्की के अंदर दाखिल करने की कोशिशें हैं, उनके ज़रिए से तुर्की पर हमले करवाने की कोशिशें हैं। फिर अर्दोगान के मुखालिफिन को, अपोजिशन लोगों को भड़का कर, उकसा कर उनके ज़रिए से तुर्की को तकसीम करने का मंसूबा है। कुर्द बागी जो शाम और इराक़ के अंदर मौजूद हैं उनके ज़रिए से तुर्की पर हमले किए जा रहे हैं। तो मुख्तलिफ तरह के एजेंटों के ज़रिए से, जासूसों के ज़रिए से हमले हो रहे हैं। चुनाची इसी हवाले से आज मेरे सामने एक बड़ी ख़बर है कि तुर्की को अल्लाह ताला ने एक बड़ी तबाही से बचा लिया है। एक बड़ा मंसूबा, जो बड़ा खूनी मंसूबा था, वो पकड़ा गया है कबल अज़ वक्त, वो उसकी भाँप लगी और जो तुर्की की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनको दाद देना पड़ेगी कि उन्होंने बरवक्त ये कार्रवाई की और दहशतगर्दी का एक बड़ा मंसूबा उन्होंने नाकाम बनाया और ख़तरनाक दहशतगर्द पकड़े गए। चुनाचे इस हवाले से मेरे सामने तुर्की के ज़राए अब्लाग पर नशर होने वाली ये रिपोर्ट मौजूद है, जो दीगर इंटरनेशनल मीडिया पर भी नशर हुई है, कि इसराइल की मशहूर बदनाम ज़माना खुफिया एजेंसी मोसाद का एक बड़ा दहशतगर्दी का मंसूबा तुर्की की हुकूमत ने पकड़ा है। तुर्की के अंदर एक जासूसी का नेटवर्क चल रहा था जो इसराइल की मोसाद एजेंसी चला रही थी। इस हवाले से तुर्की के इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने कार्रवाई करते हुए ना सिर्फ ये नेटवर्क पकड़ा है बल्कि इस नेटवर्क से जुड़े हुए 7 मुश्तबा गैंग और मुजरमों को भी पकड़ लिया है जिनका ताल्लुक था इसराइल की मोसाद एजेंसी से और वो उसके एजेंट थे। अब इसराइल की मोसाद एजेंसी तुर्की के अंदर क्या कर रही है, ये एक बड़ा सवाल है। तो इस हवाले से जो रिपोर्ट्स हैं वो ये बताती हैं कि दरअसल इसराइल तुर्की को अपने लिए एक बड़ा ख़तरा समझता है। चूँकि मैंने आपको शुरू में बताया कि आलम इस्लाम में तुर्की एक वाहिद मुल्क है जो इसराइल के मजालिम के ख़िलाफ़, इस वक्त भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ फ़लस्तीन के अंदर लड़ाई चल रही है, इसराइल का जुल्म चल रहा है, तुर्की वाहिद मुल्क है जो इसराइल के ख़िलाफ़ है, इसराइल को ललकारता भी है, इकदामात भी करता है और तुर्की के इकदामात से इसराइल को बड़ा ख़तरा भी है कि इसराइल को पता है कि तुर्की के ज़रिए से हमें मुस्तकबिल में किसी बड़ी कार्रवाई का, अटैक का, हमले का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए तुर्की के अंदर इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसियां बड़ी सरगर्म हैं और वो अपने मफादात के लिए, अहदाफ के लिए काम करती हैं। और फिर आलम इस्लाम के किसी भी मजबूत तरीन हुक्मरान या लीडर को जो ताहूत और साम्राज्य है वो टिकने नहीं देता है, यानी उसको बरकरार नहीं रहने देता है, और उनका प्लान ये होता है कि उनको तबाह कर दिया जाए, उनको मार दिया जाए। आप शाह फैसल को उठा लें, आप मामर कज़ाफ़ी को देख लें, आप इराक़ के सदर सद्दाम हुसैन को देख लें, आप मौजूदा डॉक्टर महातीर मोहम्मद जो मलेशिया के
साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं और मकबूल तरीन लीडर हैं उनको देख लें, और आप पाकिस्तान के अंदर इमरान ख़ान को देख लें, आपको इमरान ख़ान से हज़ारहा इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन उनके इस्लाम के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर तकरीर हो या फिर इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ जो इकदाम हों उनकी आप नफ़ी नहीं कर सकते हैं। तो गर्ज़ ये है कि मोसाद एजेंसी CIA, मोसाद और बरतानिया की MI6 और इसी तरह से दुनिया की जो दीगर इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं ये सब मिलकर काम करती हैं। तो एक बड़ा मनसूबा था उर्दगान को रास्ते से हटाने का, उसे इस तरह के जासूसों के ज़रिए से कत्ल करने का और इंतशार खाना जंगी लड़ाई करवाने का जो मनसूबा नाकाम हुआ है। तुर्की के सदर तैयब उर्दवान बड़े ताकतवर हुक्मरान हैं, वो कोई मामूली शख्स नहीं है, बहुत दानिशमंद हैं और उनकी जो जड़ें हैं वो बड़ी मजबूत हैं। बताया जाता है कि 2072 तक यानी अगले 40-50 सालों के मनसूबे भी उर्दगान ने बना रखे हैं। उर्दगान 70 साल के हैं, अगर वो दुनिया से चले भी जाएँ तो उनके बाद के जो उनके जानशीन होंगे वो उनके मिशंस पर अमल करने के वो करेंगे और वो उनके मंसूबों को पीछे ख़त्म नहीं होने देंगे। तो बहरहाल एक तो ये बड़ा मंसूबा था नाकाम हुआ है जिस पर तुर्की के अंदर बड़ी दाद दी जा रही है इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को और मुबारकबाद दी जा रही है कि अल्लाह ताला ने तुर्की को बड़ी तबाही से बाल बाल बचा लिया है। इसके अलावा मेरे सामने एक और बड़ी ख़बर है कि उर्दगान ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करने वाले जो दरिंदे और मलून गुस्ताख थे उन पर बिजलियाँ गिरा दी हैं। आप जानते हैं यूरोप के अंदर, दुनिया के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बड़ी गुस्ताखियाँ की गई हैं और बार बार की गई हैं। फ़्रांस के अंदर, यूरोप के अंदर कुरान पाक को जलाया जाता है, मुकद्दस शख्सियात की तोहीन की जाती है। तो इस हवाले से तुर्की के अंदर इस्तंबोल में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले गुस्ताखों के ख़िलाफ़ इकदाम करने के लिए और इसी तरह से जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत और नुसरत के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, एक इदारा बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है अलहैयतुल आलमिया लिनुसरती नबीयिल इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसका जो ऑफिस है, हेड क्वार्टर है, वो इस्तंबोल के अंदर बनाया गया है और मुख्तलिफ मुल्कों को इसकी नुमाइंदगी दी गई है। मुख्तलिफ मुल्कों के जो स्कॉलर्स हैं, उलमाए किराम हैं, वो इस इदारे के अंदर शामिल किए गए हैं। बताया जाता है कि इस इदारे का हदफ और मकसद यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम किया जाएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को आम किया जाएगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मगरब को बताया जाएगा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी क्या है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात क्या हैं, और आप लोग नावाकिफ़ हैं और अगर आप जानबूझ कर ये कर रहे हैं तो बहुत बड़े जाहिल हैं। तो इस हवाले से तुर्की का ये किरदार बड़ा वाज़ेह है। इसी हवाले से मेरे सामने जो रिपोर्ट्स हैं उनमें बातें बताई गई है कि जो कुरान करीम की तौहीन है, कुरान करीम की तौहीन के ख़िलाफ़ भी इकदाम किए गए हैं तुर्की के अंदर, और स्वीडन को वार्निंग दी गई है कि तुर्की स्वीडन से ताल्लुकात ख़त्म कर देगा और जब तक गुस्ताखों को कुरान करीम की गुस्ताखी से नहीं रोका जाएगा तब तक नाटो का हिस्सा भी स्वीडन को बनने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो एक अच्छा जो इनिशिएटिव है तुर्क सदर तैयब उर्दवान का, जिस पर उन्हें दाद देनी चाहिए। मेरे सामने एक और बड़ी ख़बर मौजूद है कि तुर्की के अंदर एक मलून शख्स ने कुरान करीम की गुस्ताखी की जुरत की है, जिसे फ़ौरी तौर पर तुर्की की जो पुलिस है और इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया है। दरअसल तुर्की के अंदर भी बहुत से सेकुलर लिबरल यूरोप के भेजे गए एजेंट मौजूद हैं जो हालात को ख़राब कराने की कोशिशें करते हैं। फिर साथ साथ मेरे सामने एक और ख़बर है कि जिस तरह से फ़्रांस के अंदर एहतजाज चल रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है कि पुलिस कातिल है और पुलिस ने वहाँ एक नौजवान को गोली मारी थी, उसके बाद फ़्रांस पूरा मैदान जंग बना हुआ है और फ्रांस की सड़कों पर आग लगी हुई है, फ़्रांस बेतहाशा नुकसान बर्दाश्त कर रहा है। मेरे सामने जो रिपोर्ट्स हैं उनमें बताया जा रहा है कि बिल्कुल इसी तरह की सूरत हाल तुर्की के अंदर इस्तंबोल में पैदा करने की कोशिश की गई है। उर्दगान के जो मुखालिफिन हैं उन्होंने इकट्ठे होकर पुलिस के ख़िलाफ़ नारेबाजी शुरू की है, और उर्दगान के ख़िलाफ़ नारेबाजी करने का उनका हदफ ये था कि वो तुर्की की जो पुलिस है उसको वो कातिल करार दे रहे हैं। यानी जिस तरह से फ़्रांस के अंदर हालात ख़राब हुए हैं कि पुलिस कातिल है, पुलिस लोगों को मारती है, इसी तरह की सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की जा रही है तुर्की के अंदर भी, इस्तंबोल के अंदर भी। तो इसको नाकाम बनाया गया है और तुर्की की पुलिस ने और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने काम करते हुए जो दहशतगर्द थे या जो इस तरह का इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे थे उनको गिरफ़्तार किया और उनके मजमे को मुंतशिर किए हैं। एक और बड़ी ख़बर मेरे सामने तुर्की के हवाले से मौजूद है कि तुर्की के जो सदर हैं तैयब उर्दवान, उनके ख़ास हुक्म पर कुर्द बागियों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन चल रहा है। 9 दहशतगर्द कुर्द बागियों की तंजीम के
वो इराक शुमाली इराक के अंदर एक बड़े फ़िज़ाई ऑपरेशन के अंदर मारे गए हैं। अब तक कोई 30 से 35 हज़ार कुर्द बाग़ियों को तुर्की कत्ल कर चुका है। वजह यह है कि ये जो कुर्द हैं ये उन इलाकों के अंदर बिठाए गए हैं, इनको सपोर्ट पसे पर्दा यूरोप और अमेरिका करता है और इनको टारगेट दिए गए हैं कि आपने तुर्की पर हमले करने हैं और ये उन इलाकों के अंदर मौजूद हैं जहाँ पर नाज़रीन किराम सबसे ज़्यादा पेट्रोल, गैस, सोना और मादनियात के ज़खायर हैं। और हदफ ये है कि तुर्की यहाँ से पेट्रोल ना निकाले, हदफ ये है कि तुर्की यहाँ से जो अल्लाह की तरफ से दी हुई नेमतें हैं उनको इस्तेमाल में ना ला सके और इस तरह इन खित्तों को और इस इलाके को बदमनी करने से बदमन करने का हदफ एक ये भी है कि तुर्की को तकसीम किया जाए यानी कुर्दिस्तान बनाया जाए। तो तुर्की के सदर तैयब अर्दोगान बड़े ज़ीरक और दानिशमंद शख्स हैं, तो उनकी दानिशमंदी की वजह से तुर्की बचा भी हुआ है और तुर्की के अंदर इस्लाम के हवाले से भी बड़े इकदाम हो रहे हैं। इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ तो पूरी दुनिया में तुर्की काम कर रहा है, मस्जिदें बन रही हैं, मकातिब खुल रहे हैं, कुरान करीम के हलकात कायम हो रहे हैं, बच्चे बच्चियाँ स्कूलों के अंदर दीनी तालीम, कुरान करीम की तालीम वो हासिल कर रहे हैं और गर्ज़ ये है कि तुर्की अमलन एक इस्लामी फलाही रियासत की तरफ जा रहा है। और अभी तुर्की सदर तैयब अर्दोगान ने ऐलान किया है कि अगले 100 साल का जो ज़माना है उसके लिए मंसूबे शुरू किए हैं और उन्होंने ये भी एक प्लान बना रखा है तुर्की का आइन और दस्तूर तब्दील किया जाए और उसके बाद तुर्की के अंदर बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो जाएंगी जब आइन और दस्तूर तब्दील होगा। तो रुकावटें बहुत हैं लेकिन अर्दोगान उन रुकावटों का मुकाबला करते हुए लड़ रहे हैं। अब तक की बड़ी अपडेट्स हैं, मालूमात और ख़बरें हैं जो आपके सामने रखी गई हैं। इस तरह की मज़ीद मालूमात और ख़बरों के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल है खबरों की दुनिया, उसे फॉलो करें, दोस्तों से नशर करें, अपनी राय कॉमेंट्स और व्हाट्सअप के जरिए से दिया करें। इजाज़त दीजिए, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।